अरुच जी आंटी, सलमान देख लो यहां पे अरुज मौजूद है। मुझे इसकी मौजूदगी में तुमसे एक बात पूछनी है। मॉम क्या बात है? क्या मुझे दादी बनने का कोई हक नहीं है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं आंटी? जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो आप जरूर दादी बनेंगी। मुझे तो लगता है कि तुम मां ही नहीं बन सकती। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही तो फिर ठीक है, तुम अरुज का मेडिकल टेस्ट करवाओ। मैं एक बार अपनी गोद में अपने पोते को देखना चाहती हूं, खिलाना चाहती हूं। सुन लिया तुमने, ये मेरा आखिरी फैसला है। मॉम सलमान, एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। क्या बात? कभी कभार मेरी नांटी बच्चों की तरह एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। माँ बाप शुरू से ही ऐसी हैं। समझ में नहीं आ रहा, एकदम से उन्हें मेरे मां बनने का ख्याल कहां से आ गया? उन्हें कोई भी ख्याल कभी भी आ सकता है। हाँ लेकिन अभी सिर्फ 7 महीने तो गुजरे हैं हमारी शादी को। मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी दादी बनने की ख्वाहिश है। वो तो ठीक है लेकिन जब अल्लाह को मंजूर होगा तो तब हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम, जब अल्लाह को मंजूर। तो फिर आंटी क्यों मेरा टेस्ट करवाना चाहती है? मामा के ज़हन में जब कोई बात आ जाती है ना तो फिर वो निकलती नहीं। इसे तुम एक बात बताऊं, इंशाल्लाह ये जो बच्चा आएगा ना इस दुनिया में वो हमारी फैमिली का दूसरा बच्चा होगा। मेरे पास
रूच, एक बात कहनी थी। देखो, अगर तुम्हें कभी भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो प्लीज गेट योर टेस्ट डन, ठीक है? टाइम पे टेस्ट करवा लेना। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, दैट बी वेरी केयरफुल प्लीज। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, इसीलिए किसी चीज का खौफ नहीं है मेरे दिल में। मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ रूच। आई रियली वॉन्ट कि तुम्हारी तुम्हारी औलाद हो, तुम माँ बनो। मुझे तो और कोई कर्ज नहीं है। एनीवे, ख्याल रखना अपना। ये इसको मेरी सेहत की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? चलें? हाँ, आप सुनो, वो लैब से वापसी पर तो मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दोगे, इफ यू डोंट माइंड। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? आई विल ड्रॉप यू। थैंक यू। वो एक्चुअली तुम्हारे मूड का ना कुछ पता नहीं चलता, थोड़ा डर लगता है बात करते हैं। तो इसका मतलब है रूट, इस बात पे तो मेरा मूड खराब होगा। सलमान प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था, वो तो ऐसे ही कह दिया था मैंने। अच्छा, आई एम सॉरी ना सलमान। मजाक कर रहा था। सलमान तुम बहुत बुरे हो। डोंट वरी, आई ड्रॉप यू। चले Let's go. By the way, टेस्ट करवाना आप दोनों में से किसकी ख्वाहिश है? देखिए, ख्वाहिश तो हम दोनों में से किसी की नहीं, दरअसल ही मेरी मामा की ख्वाहिश है। हम तो यहाँ टेस्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि it's too early. तो आपका मतलब है कि 7 months में प्रेगनेंसी ना होना कोई अजीब बात नहीं है? Yes, बिल्कुल, nothing abnormal. अच्छा, आप आइए मेरे साथ।